सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री स्वामी, आज आपके चेहरे पर ये दिव्य कांति क्यों दिख रही है स्वामी? पिताजी, अरे इस स्कूल के कपड़ों में तुम साक्षात माता सरस्वती लग रही हो। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ मेरी बेटी। बेटी, अंजना और आपका किसी जन्म का नाता है, लगता है अंजना आपकी सगी बेटी है। मैंने आपसे कहा ना पंडित जी, अगर मेरी बेटी होती तो अंजना की तरह ही होती, इसीलिए उस बेटी को जो भी देना चाहती थी वो सारी इच्छाएं अंजना के साथ पूरी करना चाहती हूँ। ये सब उस भगवान की कृपा है बेटी, मैं तो एक गरीब पंडित, मैं अंजना के लिए कुछ नहीं कर पाया, किंतु हनुमान की कृपा से आज उसे तुम्हारे द्वारा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आज स्कूल का पहला दिन है अंजना का, इसीलिए उसके नाम पर पूजा करवाने आई हूँ। बेटी, हम ऐसा ही करेंगे, जब तक इसके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी तब तक सब कुछ भला ही होगा। अंजना, अरे रे 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 रे, ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी देवयानी। क्या कर सकते हैं भला, टाइम खराब है।
अब हालात जैसे हैं वैसे हैं। वैसे एक बात कहूं, तुम एकदम शेरनी की तरह चलती थी, अब देखो जाल में फंसे हुए चूहे की तरह लग रही हो। सब उस अंजना की वजह से। इतनी बार कोशिश की मारने की, पता नहीं कैसे बच जाती है। हमने इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या प्लान बनाए, लेकिन भारी हम पर ही पड़ जाता है। और अब तुम्हारी हालत भी इतनी खराब है। अगर तुम ठीक होती ना, उस अंजना का खेल तो 2 मिनट में खत्म कर देता। जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो यह अंजना जीना मुश्किल कर देगी। मैं तो दिन रात दुआ कर रहा हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ देवयानी।
सी शक्ति है ये? कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है? क्लीम क्लीम आवाहामी भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। अंजना, अंजना आ रही हूँ माँ। भवती भिक्षाम देही। क्यों बुलाया माँ? लगता है कोई आया हुआ है। मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ, जाकर दे आओ। भवती भिक्षाम देही। अंजलि, मुझे प्रसाद देने से पहले ही बाहर किसी के लिए भिक्षा ले जा रही हो क्या? आ रही है, मुझे सतर्क होकर इसे उठाकर ले जाना होगा।